If you could record it as well, then only you can put it on Facebook. Okay, let's start. Hi. Hello, good evening, everyone. Can we do a little bit of housekeeping? Please, please, please keep yourself mute all the time. If you want to ask any question, put your question in the chat. Or you can raise hands and I will try and unmute you. But please do not unmute yourself. Continue. We just started the recording. Start. So please do not unmute yourself because it gives a very, very much disturbance. And can I request all of you to put your camera on because it's not very nice that Ramant is talking to a blank screen, so try and put your cameras on. So that would be nice that we can interact with each other. So here's Rama Ben Chande, who is originally from Tanzania, worked in Tanzania. She was working in bank in Tanzania. Then in 1973, she came here in UK. She had a small business, completely different than what she is doing at the moment. Then she was inspired to do an Ayurveda, and I will like Rama Ben to tell us all about herself. So over to you, Rama Aunty. Over to you, Rama Ben. Okay, so start kare. Yes, please. Hello. Tell us, when did you come in this country? Shall I remove this continue? Yes, leave? Please. Yes, please. Okay. Namaste, assalamualaikum, satyakal, and good evening. Parul bene maru tamne introduction to api dito Roma Mari Clinic Manchester me che. Or koi pan bimari or beauty ka bhi hum karte hai. तो मैं हिंदी में प्रोग्राम करती हूँ क्योंकि हमारे बहुत ही कस्टमर मुस्लिम है तो सब समझ सके हिंदी सबको समझ आती है तो पारुल बेन पहले हम डायबिटीज सब हेल्थ इश्यू के लिए बात करते हैं कि जो बहुत ही इधर लोग को प्रॉब्लम होती है पहले तो डायबिटीज थी बहुत ही लोग को डायबिटीज होता है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 में वो लोग को इंसुलिन लेनी पड़ती है तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट्स है कि आप इंसुलिन से बाहर आ सकते हैं फिर आपको जस्ट टेबलेट्स पर रहना है आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो आपका सिम्टम्स ट्रीट करते हैं वो रूट कॉज नहीं करते हैं इसलिए बहुत ही जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर जाए कि जिसको साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ये रिवर्स कर सकता है और एलोपैथिक ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी स्टार्ट करें तो आपको पूरी लाइफ लेनी पड़ती है आप डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है कोलेस्ट्रॉल है कोई भी चीज कोई भी बीमारी आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है वो आपको पूरी लाइफ लेनी पड़ती है आयुर्वेदिक में ऐसे नहीं है आयुर्वेदिक में आपका रिवर्स हो सकता है आपके लाइफस्टाइल चेंज करे आपका डाइट चेंज करे हम मोस्ट हमारी जो होते हैं हर्ब्स हम देते हैं तो मोस्ट के साथ हमारे डाइट प्लान होते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है जिसको भी डायबिटीज है वो लोग को बहुत ही मन होता है मीठा खाने का तो आपको जो मीठा खाना है तो आप थोड़ा खाने से पहले ले ले कि आप खाने के साथ थोड़ा ले पर आपको कभी भी खाने के बाद मीठा नहीं खाना है डायबिटीज जिसको होता है बहुत ही लोग ऐसे भी है कि जिसको पता भी नहीं है कि उसको डायबिटीज है आपको जो बहुत ही थर्स्ट होती है पानी पीने का मन होता है ड्रिंक पीने का मन होता है आपको थोड़ी वीकनेस लगती है तो आपको चेक कराना जरूरी है जिसका भी बॉर्डर लाइन पर होते हैं वो हमारे पास एक ही टाइम लेना पड़ता है
हमारा जो प्रोडक्ट है डायबिटीज का, पहले तो ये है एक्सट्रैक्ट है, आप जो पानी में नहीं पी सकते तो हम उसकी कैप्सूल भी बनाते हैं, तो आप कैप्सूल भी बाय कर सकते हैं, वो भी वर्क करती है। बहुत ही लोग नहीं पी सकते वो कैप्सूल लेते हैं। दूसरा हमारे पास है ज्योतिमती प्योर ऑयल, 5 ड्रॉप्स आप ले दिन में 2 दफा, ये भी आपको एक डब्बा 3 मंथ्स चल जाता है। जस्ट आपको मैं पाउडर नहीं यूज करती हूँ, मैं एक्सट्रैक्ट यूज करती हूँ। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि आपको 6-7 टीस्पून ऑफ पाउडर इज इक्वल टू 1 टीस्पून ऑफ एक्सट्रैक्ट, तो हम एक्सट्रैक्ट यूज करती हूँ। और वो एक ही चम्मच लेनी पड़ती है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और ये उसमें 5 ड्रॉप्स ये डाले। जो आप कैप्सूल लेते हैं तो आप एक थोड़ा सा पानी में 5 ड्रॉप्स डाल के पी ले, आपका डायबिटीज जस्ट फ्यू डेज में कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। हमारे पास बहुत ही कस्टमर है जिसका रिवर्स हुआ है। साइंटिफिकली तो आयुर्वेदिक में एलोपैथिक में बताते हैं कि कभी भी डायबिटीज रिवर्स नहीं होता है, पर आयुर्वेदिक में हर्ब से आपके लाइफस्टाइल से वो रिवर्स हो सकता है। और फिर आपको जस्ट मेंटेन करना है। इसके साथ हम ए भी देते हैं, कैप्सूल होती है 1 सुबह 1 शाम, ये आपको 2 महीना चलेगी, ये आपको 3 मंथ्स चल जाता है। तो बस इतनी चीजें हैं। जिसको भी इंसुलिन पर है उसको हम एक एक्स्ट्रा देते हैं कि वो इंसुलिन से बाहर आ सके। पहले तो मेरे को भी नहीं पता था, किसी ने बताया कि आपने उसको वो दी थी तो अभी उसको इंसुलिन नहीं लेने पड़ते हैं, तो आप इंसुलिन से बाहर आ सकते हैं। आप जो भी लेते हैं मेटमोफिन लेकेजाइड, उसकी साइड इफेक्ट आप देखें, उसके साथ आपकी किडनी खराब होती से, उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम होती है, और बहुत ही सारी उसमें साइड इफेक्ट होती है। और आयुर्वेदिक में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लाखों में कोई एक होता होगा कि जिसको हर्ब्स सूट नहीं हुए, नहीं तो सब ले सकते हैं हर्ब्स, और उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है। तो डायबिटीज के लिए ये 3 चीजें हैं। हम साथ में डाइट प्लान भी देते हैं। थोड़ा बताती हूँ कि आपको फ्रूट्स में क्या खाना है। आप प्लम्स खाए, आप ग्रेप फ्रूट और एप्रिकॉट आप खाए, पेयर्स खाए, आपको जो वो उसमें मेलन होते हैं उसमें बहुत ही शुगर होती है तो वो थोड़ा कम खाए। एवोकाडो भी बहुत ही अच्छा होता है, और हमारे पास पूरा पेज होता है डाइट प्लान कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी कुछ आपको लगता है तो पता ही नहीं चलता, आपके पाँव में कुछ लगा है कि कुछ, उसके साथ आपके आंखों में प्रॉब्लम होती है, आपके वजन भी बढ़ता है, और आपके बहुत ही सारी प्रॉब्लम होती है, उसके साथ आंखों में प्रॉब्लम होती है, आपको आपकी स्किन लबड़ जाती है, ड्राई हो जाती है। तो डायबिटीज ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको हम सब जगह हमारे प्रोडक्ट्स पोस्ट करते हैं, ओवरसीज भी पोस्ट करते हैं, और एक टाइम ले तो आपको काफी चल जाता है। ऐसे नहीं है कि वो थोड़ा 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं है। और आपको फ्यू डेज में पता चलेगा कि आपकी शुगर कंट्रोल में आने लगी है, क्योंकि हाई शुगर बहुत अच्छी नहीं होती है। तो डायबिटीज के लिए जिसको भी प्रॉब्लम है आपको इसके साथ डाइट प्लान मिलेगा। और जो भी मेटमोफिन लेते हैं बहुत ही टाइम सालों से लेते हैं, और आप जब आपकी एज बढ़ती है तो आप खाना भी प्रॉपर नहीं खा सकते हैं, आपको भूख ही नहीं लगती है मेटमोफिन लेने से, तो वो भी एक साइड इफेक्ट होती है उसके। तो हमने डायबिटीज के लिए काफी बताया, और अभी हम दूसरा बात करते हैं एक्जिमा। Ramabin, can I ask you one question? What other disease are related to diabetes? Like, अरे वापस बताइए, मैं नहीं समझी। Diabetes के related other disease क्या हो सकते हैं?
डायबिटीज होते हैं उसको ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, और आपको पता है ना कि किडनी हमारा ब्लड वो करती है, फिल्टर करती है, तो किडनी मेन हमारा वो जो ऑर्गन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसका ख्याल रखें। जिसको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है उसको डायबिटीज होता है, इसके साथ किडनी की प्रॉब्लम होती है। And what about heart? वजन भी बढ़ता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपके आंखों के प्रॉब्लम होती है, पाँव में प्रॉब्लम होती है, किसी के तो पाँव भी कट करने पड़ते हैं, तो डायबिटीज बहुत ही खराब बीमारी है। Okay. What about heart disease and what about blood pressure? Are they related to diabetes as well? They are related to, yeah, diabetes होते हैं, उसके साथ उसकी जो medicine लेते हैं उसकी side effect के साथ आपको blood pressure होता है, और जब भी high blood pressure होता है तो पता है ना कि उसके साथ ही heart की problem होती है, आपको blood pressure के साथ आपको stroke भी आ सकता है, इसलिए diabetes treat करना बहुत ही जरूरी है। और blood pressure high हो जाते हैं तो उसके साथ मैं एक आपको नुस्खा देती हूँ कि क्या करना चाहिए कि आप डॉक्टर को बुलाइए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे नहीं होते हैं, उसके साथ आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो आप गाय का घी लेके आपके ताड़वे में थोड़ा दबा दें तो वो अंदर जाएंगे, आपके लमने में मसाज करें, आपके बेली बटन में डाले थोड़ा सा घी, बेली बटन में डाले और आपके पाँव के तलिये में मसाज करें, तो आपका आधे घंटे में आपका ब्लड प्रेशर में आपको फर्क नजर आएगा। और ब्लड प्रेशर में भी क्या खाना है नहीं खाना है उसके साथ हम डाइट प्लान, हमारा मोस्ट भी डाइट प्लान हम साथ में देते हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा पता चले कि आपको क्या खाना चाहिए। सबको पता है कि आपको लहसुन और ऑनियन ऐसी चीजें खाएं ब्लड प्रेशर में वो अच्छी होती है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है आप थोड़ा सा वो जूस पिए, टोमेटो जूस पिए, उसके हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो ऐसे हार्ट के लिए भी हमारे पास टेबलेट्स होती है और उसका भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट भी होता है हार्ट के लिए, इसलिए हार्ट बीट्स बहुत ही फास्ट हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और किस कोई कोई टाइम स्ट्रोक भी हो सकते हैं, तो वो सब चीजें अच्छी नहीं होती, वो सब चीजें होती है डायबिटीज के होने के बाद ये सब शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एक्जिमा, सोरेसिस, हाइव्स के कोई भी स्किन प्रॉब्लम, उसके लिए भी हमारे पास है। आपको एलोपैथिक में वो क्या देते हैं कि आपको स्टीरोइड्स की क्रीम देते हैं कि आपकी स्किन पतली हो जाती है और ब्लैक हो जाती है। कभी भी कोई भी बीमारी आपको क्रीम लगाने से ठीक नहीं होती है, वो आपको सब एवरीथिंग इंटरनली ठीक करना पड़ता है। तो आपको जो कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो इसका कारण है कि आपका ब्लड में प्रॉब्लम है, आप कॉन्स्टिपेटेड हो गए और आपका लीवर ठीक नहीं है। लीवर हमारा मेन ऑर्गन है, सेकंड मेन ऑर्गन ब्रेन के बाद लीवर होता है, तो वो आपका ठीक रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम जिसको भी स्किन प्रॉब्लम होती है, इसे हमारे पास 6 days ओल्ड बेबी भी आए हैं, हमारे पास 3-4 months के बच्चे भी होते हैं कि जिसको फर्क पड़ने लगे हैं, और इसके साथ हम देते हैं ये जो है, हमने सब जो नाम रखे हैं वो इंग्लिश नेम नहीं रखे हैं, हमने संस्कृत नेम रखे हैं। तो ये जो है वो स्किन डिसऑर्डर, मल्टीपल स्किन डिसऑर्डर, तो आपको ये 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेनी है, और आपको आप ये लीवर के उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, ये है लीवर टॉनिक, तो आप उसके साथ मिक्स कर सकते हैं 1-1 चम्मच, और उसके साथ आपको जिसको भी स्किन प्रॉब्लम है एटलीस्ट आप 1 चम्मच घी दिन में ले, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। हमारा जो घी है ऑर्गेनिक वैदिक घी है कि जो एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, हम बहुत ही चीजों में साथ में देते हैं,
तो इस उसमें बहुत ही जरूरी है कि आप एक्जिमा सोराइसिस कुछ भी है उसमें एक चम्मच घी आप डालें। आपको पाउडर में अच्छा नहीं लगता, हम कैप्सूल बनाते हैं इसमें आपको घी अच्छा नहीं लगता, आप रोटी राइस ब्रेड किसी में भी ले सकते हैं। उसके साथ हमारा डाइट प्लान भी होता है कि आपको कुछ भी नहीं खाना है कि जे एसिडिक होते हैं, रेड मीट कम्प्लीटली स्टॉप, गाय का मिल्क नहीं लेना है, आप कोई भी मिल्क ले, प्लांट मिल्क ले, आप सोया मिल्क आलमंड मिल्क कोकोनट मिल्क राइस मिल्क आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, गोट्स मिल्क सबसे अच्छा होता है। और आपको जो गाय का मिल्क कम्प्लीटली स्टॉप करना है, थोड़ा भी नहीं लेना है। और आपको मिठाई भी नहीं खानी है, मिठाई से आपको फ्लेयर अप होता है। और आपको रेड मीट मैंने बताया वो भी नहीं खाना है, फिश भी नहीं खानी है। और आप जो आटा खाते हैं, अभी तो सब लोग मोस्ट लोग मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, आपको कभी भी वीट अकेला वीट की रोटी ना खाए, मल्टीग्रेन की खाए तो थोड़ा सा उसमें वीट होता है और भी आटा उसमें मिक्स होता है, फिर हम उसमें उसके साथ देते हैं कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आपको स्किन की प्रॉब्लम है वो मोस्ट लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो एटलीस्ट आपके अंदर से टॉक्सिन रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। जो आपको वेट भी साथ में लूज करना है तो हम वेट लूज कर देते हैं, तो आपको इसके साथ आपका वेट भी लूज होता है और आपके बहुत ही अच्छी तरह टॉक्सिन रिमूव होते हैं। जिसको भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है उसको हम वेट लॉस का देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह आपके सिस्टम क्लीन करता है। लोग बोलते हैं कि हम एवरी मॉर्निंग बाथरूम जाते हैं, आप एक दफा जाते हैं वो सब कॉन्स्टिपेटेड है, एटलीस्ट आप दो के तीन दफा जाए वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम खाना दो तीन दफा दिन में खाते हैं, जब भी हम खाते हैं तो उसका आपका ब्लड बनता है, मांस बनता है, यूरिन बनता है, स्टूल बनता है, तो आपके टॉक्सिन भी बनते हैं, जो टॉक्सिन बनते हैं उसके साथ आपको ये सब उसको कोई भी तरह बाहर आना है, तो आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, एक्नी होती है, तो ऐसी चीजें होती है, इसलिए आपको आपका पेट आपके सिस्टम क्लीन रखना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास अभी एक गट के लिए आई है दो चीजें, तो जिसको भी बाथरूम जाते हैं तो कोई बहुत ही टाइम लगता है किसी को, तो ये लेने से आप जाएंगे बाथरूम तो एक मिनट में एवरीथिंग आपके मल के साथ बाहर आ जाते हैं। जैसे कि आप उठ के आप बाथरूम गए तो आज भी आप ये पाउडर लेंगे तो उसके साथ आपके मल के साथ निकल आएंगे एवरीथिंग, एक सेकंड के अंदर एवरीथिंग निकल आता है, आपको वापस जाना पड़ता है, तो एक गट के लिए भी हमारे पास बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ हमारे पास जो क्रीम देते हैं उसमें कोई भी वो नहीं होता है, तो हम दो जात की क्रीम भी देते हैं, एक है हीलिंग क्रीम और एक है वेनुसिया मिक्स, तो ये दो क्रीम भी देते हैं, ये आप बाथ के बाद लगा लें, ये आप बाद में लगाए सोने के टाइम, तो रात को आपको इची ना आए। और उसके साथ हमारा जो ये ऑयल है वो बहुत ही मदद करता है, जिसको भी स्किन प्रॉब्लम होती है वो जब भी बाथरूम जाते बाथ लेने जाते हैं तो पानी गर्म पानी आते हैं ऊपर तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप जब भी बाथ लेने जाए तो बिफोर 15 मिनट्स आप बाथ ले लें वार्म वाटर से, और आप शावर ले तो 5 मिनट्स के अंदर आप शावर ले ले और बहुत टाइम नहीं बाथ पानी में ले, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। और इधर का सोप कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें जो होते हैं एनिमल फैट उसके साथ आपको इची होती है, आपके कपड़े वॉश करें वो आप वेरी नॉन बायोलॉजिकल में करें। और सोप के लिए हमारे पास एक नीम ऑयल सोप है, चार सोप साथ में आते हैं बहुत ही चलेगा, तो इसके साथ आपको आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी और खराब नहीं होगी। और उसके साथ हम टेबलेट्स भी देते हैं कि आपके पिता के लिए एलर्जी के लिए, और आपके लीवर डिटॉक्स हमारे पास है वो भी देते हैं, और स्किन केयर स्किन टेबलेट देते हैं, स्किन टॉनिक के जो मैं उसके आयु शक्ति की करती हूँ, तो उसके साथ हम एक टेबलेट्स भी देते हैं, उस पर काफी चीजें होती है, पर आपका कंप्लीट ठीक हो जाते हैं
टाइम लगता है, कोई भी मिरेकल नहीं है, पर आपको जो आपने स्टीरॉइड्स यूज की होगी, आपने दबा दिया है, तो ये हमारी चीजें लेने से आपको लगेगा कि थोड़ा खराब हो रहा है, कि आपको लगेगा कि साइड इफेक्ट हो रही है, और वो साइड इफेक्ट नहीं है। मैं पहले से बताती हूँ कि आपको इसके साथ जो आपने स्टेरॉइड से दबा दिया है, तो हमारी जो हर्ब्स होते हैं वो अंदर से बाहर करते हैं, वो दबा नहीं देते हैं। हमारे पास हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ कस्टमर है कि जिसका कम्प्लीटली ठीक हुआ है, कि किसी को 35 साल से थे, और जिसका भी फैमिली में होता है स्किन प्रॉब्लम, वो बच्चे को होती है। तो हमारे पास बहुत ही कस्टमर है कि जिसका कंप्लीट ठीक हुआ है। कोई तो बताते हैं, तो डॉक्टर पास के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि पूरी लाइफ आपको इसके साथ रहना है, पर ऐसे कोई जरूरत नहीं है। आप हर्ब्स ले और स्लोली स्लोली ठीक होगा। मैं ऐसे नहीं कहती कि 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, किसी को 6 मंथ्स, किसी को 8 मंथ्स। हमारे पास ऐसे भी कस्टमर थे कि उसके पग में से पानी निकलते थे, सराइसिस था उसका, उसका भी कंप्लीट ठीक हुआ है। माइट भी वो भी वॉच करते होंगे, तो आप थोड़ी फीडबैक देना कितने कस्टमर है कि जिसको ठीक हुआ है, तो आप जो बताएंगे तो लोग को पता चलेगा कि ये वर्क करता है। हमारे ऐसे नहीं है कि पैसे बनाने के लिए, मैं चाहती हूँ कि सबको फर्क पड़े, सबकी लाइफ इजी जाए, आपको इतने तकलीफ में न रहे, क्योंकि नहीं तो पूरी लाइफ आपको इची इची करना पड़ता है। और मैंने बताया वो चीजें आप न खाए तो आपको काफी फर्क पड़ने लगेगा। दूसरे किसी को स्काल्प में भी होते हैं, बालों में भी होते हैं, कि आपको लगता है डैंड्रफ है, पर जो आप इसे ऐसे करें और आपके नाखून में आते हैं वो डैंड्रफ नहीं है। डैंड्रफ ऊपर होता है, ये आपकी स्किन में चिपक जाते हैं, तो वो सोराइसिस है, एक्जिमा है, कि फंगस है। मोस्ट हमारे पास जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो 4 महीने में स्काल्प में ठीक हो जाता है। उसके लिए हम एक मास्क यूज करते हैं और ये सब हर्ब्स भी लेने पड़ते हैं, और हमारा जो इसके लिए स्पेशल ऑयल होता है सोराइसिस और एक्जिमा का, हम उसमें हर्ब्स डाल के बनाते हैं, वो ऑयल हम देते हैं यूज करने के लिए, और शैम्पू होता है, तो उसके साथ आपके स्काल्प में भी क्लीन हो जाता है, कंप्लीट क्लीन हो जाता है। आपको स्काल्प, आपका बाल भी नहीं गिरेंगे और आपको काफी फर्क पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक्जिमा के सोराइसिस हम ट्रीट करते हैं। हाइव्स हमारे पास कस्टमर है कि उसको कितने सालों से थे, उसका हाइव्स अभी कंप्लीटली ठीक हो गया है। जब भी वो आते हैं, वो स्किन टोनिक बहुत ही टाइम उसने ली थी, तो आते थे तो इसकी स्किन ग्लो करती थी, तो काफी अच्छा है सब प्रोडक्ट से। तो ये हमने एक्जिमा सोराइसिस के लिए बताया। जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम स्किन की, तो आपका वो ठीक हो सकता है। अभी हम बात करते हैं, बहुत ही लोग को प्रॉब्लम है वो फर्टिलिटी। One second. A question about eczema, psoriasis. Is this eczema and psoriasis are hereditary? Like if my father had psoriasis, then more likely ke mujhe bhi psoriasis ho sakta hai. Or family mein like kisi ko psoriasis hai, to ho sakta hai. Aapke father, mother, grandfather ko ho, to aapko bhi aa sakta hai. Ye wo maine bataya na ke family mein hai. तो आपको हो सकता है। दूसरा कौन सा रीजन है अगर फैमिली में नहीं है, राइट? तो दूसरा कौन सा इम्पोर्टेंट रीजन है एक्जिमा होने का? समटाइम्स यू बोर्न विद अ ड्राई स्किन, ऐसा कुछ हो सकता है, पर आर देयर एनी अदर रीजन के उसके हिसाब से आपको? दूसरा रीजन भी होता है कि आपको, आप कॉन्स्टिपेटेड है, आपके अंदर बहुत ही टॉक्सिन है। जब ये आप प्रॉपर बाथरूम नहीं जाते हैं तो वो टॉक्सिन, कॉन्स्टिपेशन इज अ टॉक्सिन, आपके अंदर टॉक्सिन बनते हैं, तो उसको कोई भी तरह बाहर आना है, तो वो उसको आपको एक्जिमा सोराइसिस हो सकता है, कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, उसके साथ आपको एक्ने भी हो सकती है, तो ये सब टॉक्सिन होते हैं आपके बॉडी में, उसके साथ आपको ये सब होता है। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेस
and anxiety? Are they cause of eczema, psoriasis? Because आजकल सभी लोग स्ट्रेस में जीते हैं. जिसको बोलो वो उसको काम का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, हस्बैंड का स्ट्रेस है, सबको कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है. सो क्या ये एक्जिमा सोराइसिस स्ट्रेस रिलेटेड होता है? मेरे को नहीं, आपकी बात नहीं मेरे को प्रॉपर समझ आई, वापस बताइए. एक्जिमा और सोराइसिस अनदर रीजन उसका क्या स्ट्रेस होता है? आजकल सभी को स्ट्रेस होता है, सभी टेंशन में रहते हैं, सबको काम का टेंशन होता है, घर का टेंशन होता है, बच्चों का टेंशन होता है, कोई कोई है वो अपने साथ लेके सब चलते हैं, कोई कोई बाजू में रख देते हैं. तो उसका वो could be the one reason के स्ट्रेस इज अनदर रीजन. वो जो जिसको भी psoriasis eczema होता है ना, वो स्ट्रेस से काफी फ्लेयर अप होता है. स्ट्रेस के साथ फ्लेयर अप होता है. आपने रेड मीट खाया, आपने इतने दिन ट्राई किया, फिर एक दिन रेड मीट खा लिया, तो उसके साथ फ्लेयर अप होता है. फिश के साथ फ्लेयर अप होता है. और आपको एसिडिक चीजें खाते हैं तभी भी आपको कुछ भी, जैसे कि ऑरेंजेस, टेंजरीन, वो खाया, खट्टी चीज खाई तो आपको इची होता है, उसके साथ भी फ्लेयर अप होता है. तो ऐसी बहुत ही चीजें होती है. इसलिए हम पूरा वो पेपर देते हैं साथ में. आपको स्वीट पेस्ट्रीज है, मिठाई है, वो सबसे फ्लेयर अप होता है. इंटरेस्टिंग. ओके, तो अभी अभी हम बात करते हैं फर्टिलिटी. और बहुत ही जो लोग को प्रॉब्लम होती है, हमारे पास बहुत ही जो प्रोडक्ट्स जाते हैं, वो पॉलीसिस्टिक ओवरी जिसको होती है, फर्टिलिटी के लिए, मिसकैरेज के लिए, आपको मेनोपॉज हुआ है, तो इसके लिए मैं थोड़ा बताती हूँ. उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज है. हमारे पास बहुत ही लोग खुश हुए हैं हमारी हर्ब्स से. तो पहले तो जिसको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, पीओसीडी जिसको बोलते हैं, उसका पीरियड्स इरेगुलर होता है. आपका पीरियड्स इरेगुलर है तो आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. तो हम जिसको देते हैं, अभी अभी तो बहुत ही लोग ने बताया है, पहले लोग नहीं बताते थे, पर अभी अभी बहुत ही टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि मैंने उसके लिए वेट लॉस, और जिसको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है उसका वेट भी मोस्ट का थोड़ी झाझा होता है, ये उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं. तो वो बताते हैं कि मैंने इसके लिए ली तो मैं एक महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे को ट्विंस आए हैं. तो ऐसे दूसरे लोग भी बताते हैं कि एक दूसरे महीने में प्रेग्नेंट हो गई, ऐसे बताते हैं. पर नहीं, सब लोग नहीं होते हैं, तो फिर फर्टिलिटी के लेते हैं. पर हमारे जो पीरियड्स की होती है उसमें हम देते हैं ए इरेगुलर पीरियड्स के लिए है. आपको एक एक चम्मच लेनी है दिन में दो दफा. ए है हार्मोन बैलेंस के लिए. आपको वो पाउडर नहीं पी सकते तो हमारे पास हार्मोन बैलेंस की कैप्सूल होती, टेबलेट्स होती है, दो सुबह दो शाम. नहीं तो ये पाउडर है, आपको सोक करके, एक घंटे सोक करके आपको पीना है दिन में चार दफा. थ्री दफा डेफिनेटली, जो लोग काम पर जाते हैं वो थ्री दफा लेते हैं. ए है होम रेमेडीज. आपको इसके एक ही दफा दिन में लेनी है, 1.5 teaspoon, और 1 teaspoon गुड़ के साथ मिक्स करके आप चबा के खाना है. और फिर आपको एक स्लाइस कच्चा पपैया खाना है, और आपको एक उस पर गर्म पानी पीना है. उसके साथ हमारे पास टेबलेट्स होती है, गाइनो होती है, फेमिग्रीन होती है, बी यंग फॉर्मूला, ऐसे हम फ्यू टेबलेट्स, 6 टेबलेट्स साथ में होती है, वो भी लेनी जरूरी है. मोस्ट का अबाउट बाय 4-5 days, 10 days आ जाते हैं. जिसका 14 years से नहीं आया था उसका भी आ गया. हमारे पास ऐसे भी कस्टमर है कि उसकी लड़की 21 year old थी. बहुत ही हॉस्पिटल में वो जाते थे, पेचिस लगाते थे, और डॉक्टर बोलते हैं कि उसके माइंड से उसके नहीं, मैसेज नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. उसने हमारी दवाई ली, उसका एक महीने में पीरियड्स आ गई. हमारे पास ऐसे भी कस्टमर है कि 4 साल से वो यंग एज में मेनोपोज हो गया था. डॉक्टर ने बोला अगर मेनोपोज हो गया है, वो जो देते हैं वो फेक पीरियड्स होते हैं, वो प्रॉपर नहीं होते हैं.
तो वो उसके उसने हमारी ली, उसको 2 के 3 दिन में पीरियड्स आ गई है और इतनी तो खुश हुई कि 4 साल से नहीं आए थे तो उसके भी आ गए। किसी को नहीं बहुत ही टाइम होता है तो 4 वीक्स के 5 वीक्स उसमें आ जाते हैं, पर जिसके भी ओवरी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है उसके नहीं आते 1 महीने में। उसको आपको इसको है ना किसी को वापस नहीं लेना पड़ा है, पर जिसकी प्रॉपर ओवरी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है उसको पहले प्रॉपर ओवरी डेवलप करनी पड़ती है, फिर उसके पीरियड्स रेगुलर होंगे, वो प्रॉपर इसकी प्रॉपर होती है डेवलप हमारे हर्ब्स से और हमारे टेबलेट से। दूसरा वो क्यों नहीं बन उसके बहुत ही लोग को प्रॉब्लम होती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। आपकी ट्यूब ब्लॉक है उसके लिए भी हमारे पास है, उसमें बहुत ही सारी है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है उसके लिए भी हमारे पास होती है। आपको मेनोपॉज हुआ है तो मेनोपॉज के लिए भी, अर्ली मेनोपॉज हुआ है तो उसके लिए भी हमारे पास है। ये आप लेंगे तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। जो आपके मेनोपॉज अर्ली हो जाते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके पेन में होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है और आपके पेन स्टार्ट होते हैं नीज से, फिर शोल्डर में जाता है, आपके हाथों में जाता है, सब जगह होते हैं पेन। तो ये आपको रूमेटोइड आर्थराइटिस होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, और सबके लिए साइकिटा सबके लिए हमारे पास एक है। जो अर्ली मेनोपॉज होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि आप हर्ब्स से वापस आपके पीरियड्स रेगुलर करते हैं। मेनोपॉज कई एज में आना चाहिए, 49, 50, 51 वो ठीक है, नेचुरल है कि सबको मेनोपॉज होता है। किसी को कुछ भी नहीं होता है, किसी को बहुत ही तकलीफ होती है, उसको रात को पसीना आता है, ठंड पड़ती है, उसको मूड स्विंग होता है, उसको एंजाइटी होती है, तो मेनोपॉज के लिए भी हमारे पास है कि आपको ठीक होने लगेगा एंजाइटी के लिए। मेनोपॉज में एंजाइटी बहुत ही होती है तो उसके लिए भी हमारे पास होती है, हम देते हैं। दूसरा होता है कि लोग को बहुत ही फाइब्रोसिस होते हैं तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और आपका बहुत ही हेवी पीरियड्स होते हैं, तो फाइब्रोसिस के लिए 15 डेज में आपके जो हेवी पीरियड्स है वो आपका ठीक हो जाएगा। और फिर आपके नेक्स्ट मंथ जो भी आपकी साइकिल होगी, मैं 15 दिन की ही टेबलेट्स देती हूँ, पर जो भी 120 है वो हम कम नहीं कर सकते, वो हम साथ में खोल के नहीं देते हैं, तो वो आपको चलती है। आप एवरीथिंग फिनिश करना है, इवन आपके पीरियड्स आ जाए तो भी आपको एवरीथिंग फिनिश करना है कि वो वापस स्टॉप ना हो जाए। कोई लोग छोड़ देते हैं फिर 2 साल के बाद बोलते हैं कि वापस मेरे पीरियड्स स्टॉप हो गए हैं, तो मैं पूछती हूँ कि आपने पहले एवरीथिंग फिनिश किया है, तो बोलते हैं कि ना। तो मैंने बोला कि आप वो जो आपके पास है वो आप स्टार्ट कर दें तो उसके साथ आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि आप कोई भी चीज ले आप फिनिश करें उसके, तो इसके साथ मेनोपॉज के साथ भी आपको वो देते हैं जो आपको पसीना आता है उसके लिए देते हैं और एंजाइटी के लिए होती है, काफी चीजें उसमें होती है कि आपके मेनोपॉज में फर्क पड़ने लगता है, वो आपका मेनोपॉज आपके सब जो साइड इफेक्ट होती है आपके डॉक्टर जो HRT देते हैं उसके साथ आपके साइड इफेक्ट होती है, और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है। तो हेल्दी पीरियड्स के लिए आपको वो 15 दिन में ठीक हो जाए तो आपके जो फाइब्रोसिस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह होते हैं कि आपके लाइनिंग में है, आपके ओवरी में है, तो वो आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको किधर है, तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हम जो आप बताएंगे उस पर हमारी रेमेडीज देते हैं। तो फाइब्रोसिस फिर आपका ठीक करे, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपकी ओवरी निकालने की, आपके एक ऑर्गन आपकी बॉडी में से निकालने की जरूरत नहीं है, उसके साथ आपको फाइब्रोसिस हमारे आपके डिसॉल्व होने लगेंगे
और आपको काफी उसके साथ फर्क पड़ेगा और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, इनफर्टिलिटी के लिए, ऐसे भी इनफर्टिलिटी होती है कि आपके एग्स नहीं बनते, आपके एग्स वीक है, कि आपके एग्स बहुत ही जल्दी इम्यूनिटी आपकी बहुत ही है तो वो किल कर देते हैं, और आपके जो हस्बैंड के स्पर्म इनफ नहीं है तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो वो सब हम पूछते हैं, उस पर हम दवाई देते हैं, और आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो वो इसका बबल्स ओपन करने के लिए अबाउट 4 months, 5 months लगते हैं। ऐसे नहीं है कि एक महीने में हो जाएंगे, पर जिसका भी एग्स वीक है, आपके एग्स छोटे हैं, इनफ नहीं बनते हैं, कम बनते हैं, तो वो सब के लिए आप जो भी बताएंगे उस पर हम हमारी रेमेडीज देते हैं, और मोस्ट का वर्क करते हैं। सब लोग बताते नहीं है, पर जो तो हमको अच्छा लगता है, तो इसके लिए भी मैंने काफी बताया। फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इसके बाद पूछ सकते हैं। तो अभी हम और भी बात करते हैं कि हम ब्लड प्रेशर के लिए करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था हेयर के लिए कि जिसको सबको हेयर की प्रॉब्लम होती है, सबके बाल गिरते हैं, आप जो कुछ भी नहीं करेंगे तो आपके बाल स्टॉप नहीं होंगे और एकदम पतले हो जाते हैं। जो आपकी ब्यूटी है, आप कितने भी सुंदर है, आपके बाल नहीं होंगे तो आप सुंदर नहीं लगेंगे। कोई भी एज में लोग को लगता है कि सबको अच्छा लगना अच्छा लगता है कि आप अच्छे लगे, और जिसके भी आपकी कोई भी आपकी स्किन आप पहले फेयर नहीं है, आप ब्लैक है, आपके बाल अच्छे हैं तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। आपको सब में मेन और वुमन दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। बालों में भी बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया कि एक्जिमा सोराइसिस होते हैं, एलोपेशिया होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास रेमेडीज सबके लिए होती है। बालों के लिए, वेट लॉस के लिए मैंने बताया था, बहुत ही अच्छी चीज है, कोई भी मिरेकल नहीं है, पर वेट आपका डेफिनेटली 100% आपका कम होगा। और बालों के लिए भी 4 दिन में आपके बाल जो गिरते हैं वो कम न हो जाए तो आप फोन कर सकते हैं कि मेरे बाल कम नहीं हुए हैं। तो और भी मैं टिप्स दे सकती हूँ, इसके साथ हम पेपर भी देते हैं कि आपके बालों के लिए क्या अच्छा है। बहुत ही जो आप सप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि विटामिन्स, बहुत ही विटामिन्स आपके टॉक्सिन बनते हैं। जो भी आपको तो फूड में से सब विटामिन मिल जाते हैं, एज के हिसाब से आप विटामिन डी और कैल्शियम लेना बहुत ही जरूरी है, और दोनों साथ में जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने विटामिन डी लिया और कैल्शियम नहीं लिया तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, दोनों जरूरी है। आपकी एज के हिसाब से 40-45 के बाद आप स्टार्ट कर दें विटामिन डी और कैल्शियम तो अच्छा है, आप गिरे तो आपके बोन्स नहीं टूटेंगे और ये जरूरी होता है। पर बहुत ही सारा आप जो विटामिन लेते हैं वो टॉक्सिन बनते हैं। आपको जो जरूरी है डॉक्टर को बताए कि आप ये लेते हैं, आपको जरूरी है कि नहीं है। विटामिन ए आप में बहुत होते हैं तो आपके बाल बहुत ही गिरेंगे, इतने इसलिए बताती हूँ कि जो विटामिन जरूरी होते हैं वही आप ले। तो बालों के लिए मैंने आपको बताया, और हमारे पास अच्छी चीजें होती है, बहुत ही होती है, पर जो मेन होती है वही मैं देती हूँ। पहले बाल ग्रो भी होते हैं हमारी ग्रोथ ऑयल के साथ, आपके बाल 2 महीने में आप हाथ फराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बाल अंदर से थिकर हो रहे हैं, फिर लंबे होने में थोड़ा टाइम लगता है पर ठीक हो रहे हैं। तो वेट लॉस के लिए हमने बताया था, सब चीजें भी बताई थी, डेफिनेटली सबका वेट उसमें कम होता है। और फिर हम एक्नी के लिए भी मैंने बोला था कि 6 महीने लगते हैं एक्नी ठीक होने में, और फिर आपके जो खड्डे पड़े हैं एक्नी के साथ आपको स्कारिंग हुए है, हमारे जो मास्क है वो सब भर जाते हैं उसके साथ, और आपको वापस लेना ही नहीं पड़ता है मास्क, ये सब चीजें लेनी नहीं पड़ती है। उसमें ऑयल होता है कि एक्नी के हिसाब से आपके जो स्किन डल हो गई है तो आपके स्किन में ग्लो आएगा,
इससे ग्लो के लिए ही नहीं है, आपकी स्किन टाइट होने लगेगी, छोटे छोटे रिंकल्स निकल जाएंगे। एक बोतल बहुत ही आपको चल जाएगी, 7-8 मंथ साल भी चल सकती है। और आप एवरी डे 10 मिनट्स मसाज करें, और आपको वो दिन में मसाज नहीं करना है, दिन में जो आप बाहर जाते हैं तो, कि आप कुकिंग करते हैं तो, क्योंकि हीट से आपको पिगमेंटेशन हो जाएगा, तो वो भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है कि आपको शाम को बैठे हैं तभी आप मसाज करें। जस्ट थोड़ा सा चाहिए, आप ऐसे मसाज करें कि आपकी स्किन ऊपर जाए, गले से मसाज करें, इससे मसाज करें, आपके छोटे छोटे रिंकल्स भी निकल जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी स्किन में ग्लो आएगा। उसके साथ फेस वॉश भी एक्निक के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और क्रीम भी साथ में होती है। तो जो मेन होता है वो इंटरनली होता है, तो एक्निक के साथ हम कॉन्स्टिपेशन का देते हैं, एक्निक का एक्सट्रैक्ट होता है, स्किन टोनिक टेबलेट वो मेन है, फिर आपके जो खड्डे पड़े हैं तो मास्क और एवरीथिंग आते हैं। तो इसके साथ एक्निक का भी डार्क सर्कल के लिए भी है हमारे पास, पिगमेंटेशन की बहुत ही लोग को पिगमेंटेशन होता है, क्यों होता है पिगमेंटेशन, धूप से होता है, प्रेगनेंसी के बाद होता है, आपके हॉर्मोन बैलेंस नहीं है उसके साथ होता है। और इसके लिए आप कोई भी क्रीम यूज करें, आप पीलिंग कराए, कुछ भी कराए, आपके पिगमेंटेशन नहीं निकलेंगे, वो इंटरनली होता है, हमारा 7 लेयर्स होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपको इंटरनली लेने से आपको पिगमेंटेशन में फर्क पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपको पहले तो 2 मंथ के 2-2.5 मंथ तक पता ही नहीं चलेगा क्योंकि कुछ हो रहा है, फिर आपको लगेगा कि आपके जो धब्बे पड़े हैं वो छोटे स्लोली स्लोली रिमूव होने लगेंगे। बहुत ही टाइम लगता है डार्क सर्कल के लिए और पिगमेंटेशन के लिए। इसके साथ आपके लीवर की प्रॉब्लम होती है तो हम साथ में लीवर का भी देते हैं, तो आपके पिगमेंटेशन के लिए स्किन टोनिक टेबलेट भी होती है, लीवर डिटॉक्स भी होता है, ये मेन होता है। फिर तो आपको मसाज ऑयल चाहिए। एक हमारे पास दूसरी चीज भी होती है कि जो इसके साथ काफी फर्क पड़ता है, पर एक सब इंटरनली होता है, लगाने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आप पैसे वेस्ट नहीं करना पिगमेंटेशन क्रीम में और इसमें और उसमें, क्योंकि वो इंटरनली होता है। और हमारे पास बहुत ही अच्छा फेस पैक है पिगमेंटेशन के लिए, एक फेस पैक काफी चल जाता है, वो भी थोड़ा मदद करेगा। हेयर रिमूवल, जो अनवांटेड हेयर होते हैं, जिसको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है उसको ऊपर के हेयर गिरने लगते हैं, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, सब में हेयर बहुत ही आते हैं, तो हेयर रिमूवल के लिए भी हमारे पास है। जो आपको परमानेंट करना है हेयर रिमूवल तो 6 महीने लगते हैं, उसमें हॉर्मोन बैलेंस की कैप्सूल होती है, एक पाउडर और घी होता है, एक हर्ब्स होता है कि आपको घी में मिक्स करके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको 10 मिनट्स रब करना है, जोश से नहीं करना है, आपको जेंटली करना है, मतलब होता है कि वो आपके स्किन के अंदर जाते हैं तो आपके रूट्स को वीक करते हैं और आपके हॉर्मोन बैलेंस हो जाते हैं, तो 6 महीने बाद आपको हेयर नहीं आएंगे। मैंने देखा है कि जो मैनचेस्टर से के नजदीक से आते हैं वो 2-2 महीने की ले जाते हैं तो पता चलता है कि उसके हेयर इधर से कम हो रहे हैं, बॉडी हेयर कम हो रहे हैं, तो ऐसे 6 महीने लगते हैं। आपको जो नहीं करना है 6 महीने, तो हमारे पास एक सोप होता है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं है पर आप वॉश करेंगे तो स्ट्रेट अवे उसकी स्मेल निकल जाती है। आपको थोड़ा सा थिक पेस्ट बना के जिधर जिधर बाल है उधर लगाना है और 3-4 मिनट्स में वॉश कर ले, आपके सब बाल निकल जाएंगे। फिर कोई भी क्रीम यूज करें, और थोड़ी बर्निंग होती है पर जिसकी भी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो पहले आप ऐसी जगह करें कि जिधर आपको, जैसे कि इधर के चिन के नीचे के होते हैं ना, उधर करें तो आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बर्निंग होगी पर आपकी स्किन रेड नहीं होगी कि कुछ नहीं होगा। जो रेड स्किन हो जाए तो मिल्क, ठंडा मिल्क, वो
तेज जरूरत देंगे थोड़ा लगाए तो वो ठीक आपको ठीक हो जाएगा, वो आपका निकल जाएगा। तो पहले आप उसको टेस्ट करें, 4 मिनट में बाल निकल जाते हैं, बॉडी में थोड़ा 4-5 मिनट्स रखें, पर आपके फेस में तो अबाउट 3 मिनट्स में आपको वॉश कर ले तो सब बाल निकल जाएंगे। इसके साथ आपके बाल पतले पतले होने लगेंगे और आपको परमानेंट नहीं है, बहुत ही रुए जैसे बाल आएंगे, तो वो भी हमारे पास है। रमा बेन, कैन वी टेक सम क्वेश्चंस? सॉरी, क्या सबने थोड़े क्वेश्चंस ले ले हम, बिकॉज आपने अभी 5-7 मिनट बाकी है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है वो हम ले ले पहले, आप फर्दर बोले उसके पहले। पहले तो ये कि डायबिटीज, आई नो कि आप डायबिटीज के साथ साथ मेडिसिन देते हैं, उसके देते तो खाने का प्लान बनाते हैं, आप उसके साथ में एक्सरसाइज का प्लान भी बना के देते हैं, बिकॉज डायबिटीज में एक्सरसाइज वॉकिंग बहुत जरूरी होता है। फास्ट वॉकिंग करें वो जरूरी है, एवरीडे वॉक चाहिए वो जरूरी है, और हमारे डायबिटीज के साथ हम पूरा बहुत ही उसमें सारी चीजें होती है, इसलिए मैं एवरीथिंग बता नहीं सकती क्योंकि बहुत ही चीजें है कि क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो साथ में होते हैं डायबिटीज के लिए। किसी ने पूछा है कि ये जो मेडिसिन आप बोल रहे हैं वो मेडिसिन कहाँ से आती है और आते ऑर्गेनिक? वो मेडिसिन इंडिया से होती है, हमारे हर्ब्स आते हैं इंडिया से, और मेरे पास एवरीथिंग होता है कि कितना कितना उसमें डालना है, ऐसे नहीं है कि आपने ये इतना डाला नहीं, उसका माप करके सब डालना है, और हमारे पास बड़ा सा मशीन है उसमें हम मिक्स करते हैं और फिर पैकिंग करते हैं। और जो टेबलेट्स होती है वो आयु शक्ति की होती है, दूसरी भी हमारी होती है कि जो हमारे हर्ब्स से हम बनाते हैं वो हमारी भी होती है साथ में। And are they organic? Sorry, क्या? All of these powders or herbs or are they all organic powders or organic herbs? नहीं, मैं आपकी बात समझ। Organic farm से आते हैं सब herbs और उसमें कुछ मिलावट होती है, ऐसा कुछ होता है? और उसमें कुछ नहीं, जस्ट herbs होते हैं, कुछ ऐसी चीज नहीं है। हमारे बहुत ही मुस्लिम कस्टमर पूछते हैं क्योंकि कोई लोग है ना गाय का यूरिन उसमें डालते हैं ऐसे, हमारी चीजों में हमेशा कुछ भी यूज नहीं करते हैं। हमारा मोस्ट एक्सट्रैक्ट बहुत ही फास्ट सेलिंग है कि जो उसमें ऐसी कुछ है तो वो तो सोक हो जाता, वो बिना हो जाते हैं ना, जैसे ड्राई ड्राई पाउडर होते हैं, हमें वैसा कुछ भी मैं यूज नहीं करती हूँ कि जो कोई लोग न ले सके। और आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, आजकल सभी लोग वीगन बहुत हो जाते हैं, वो जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते, मिल्क नहीं लेते, कुछ भी एग्स नहीं लेते, वो वीगन हो जाते हैं, राइट? तो आप आजकल सब लोग वीगन बहुत हो जाते हैं, जो वीगन होते हैं वो मिल्क नहीं लेते, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, तो आपके प्रोडक्ट वीगन फ्रेंडली है? नहीं, हमारे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, पर आप वीगन इसमें तो हमारा प्रोडक्ट्स में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वीगन है वो। अच्छा। ऐसी नहीं है। अच्छा। उसमें इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके। नाउ एक जन कोई पूछ रहा है कि ये मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आप ले लाइक डायबिटीज के लिए और एक्जिमा के लिए और पीरियड के लिए, वो लाइफ टाइम के लिए लेनी पड़ती है या थोड़े टाइम वंस यू क्योर? मैं बताती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेदिक इज नॉट ऑल योर लाइफ, जैसे कि एलोपैथिक आपको ऑल लाइफ लेनी पड़ती है, आयुर्वेदिक आपके पीरियड्स की तो एक ही महीने की होती है, आपकी बाकी रहे तो फिनिश करे, पर एक ही टाइम लेनी पड़ती है पीरियड्स की, एक ही टाइम। तो आयुर्वेदिक आपका ठीक हो गया, जैसे कि ब्लड प्रेशर डायबिटीज वो टाइम लगता है, कोई भी मेरेकल नहीं है, पर पीरियड्स की तो एक ही महीने में हो जाता है। तो ये ने आपको जब तक आपका ठीक हो गया, हमारे पास है कस्टमर के डायबिटीज भी रिवर्स हुआ है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है, थायराइड सबका ठीक हुआ है, थायराइड दो तरह का होता है, एक में आपका वेट गेन होता है, मूड स्विंग होता है, बाल आपके लाइफलेस हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, आपको बहुत ही ठंड पड़ती है,
जिसको हाइपो होता है उसको गर्मी अच्छी नहीं लगती है, उसका वेट लूज होता है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, डायरिया होते हैं, तो ये दो तरह का होता है। पर सबके लिए एक ही मेडिसिन होती है थायराइड के लिए, वो बहुत टाइम नहीं लगता है, किसी का 5 मंथ 6 मंथ वो ठीक हो जाता है। कोई ऐसी क्रोनिक जो बीमारियां होती है जैसे कि आर्थराइटिस से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उसको टाइम लगता है, वो 1 महीने में नहीं होता है। जिसका बॉर्डर लाइन पर है, डायबिटीज आपका बॉर्डर लाइन पर है तो एक ही टाइम लेनी पड़ती है, बहुत ही लोग है बॉर्डर लाइन पर है तो एक ही टाइम लेनी पड़ती है। दूसरी होती है जो क्रोनिक डिजीज होती है वो, उसको टाइम लगता है। अच्छा, सो वो लाइफ टाइम में, तो अगर डायबिटीज हो जाए और वो रिवर्स हो गया और क्योर हो गया और कम हो गया, और आप उनको बोल सकते हैं कि आप सारी मेडिसिन छोड़ दे और अभी मेडिसिन मत ले, और आयुर्वेदिक मेडिसिन अभी मत ले नाउ, और जो जो एलोपैथिक मेडिसिन जो लेते हैं उनको आप बोल सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर के पास जाए, ब्लड चेक कराए, और अगर डॉक्टर ना बोले तो आप मत ले, ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं बताती हूँ कि आप कोई भी आयुर्वेदिक स्टार्ट करें तो आप बता सकते हैं डॉक्टर को कि हम अल्टरनेटिव मेडिसिन लेते हैं। हमारे जो कस्टमर है ठीक हो गया तो वो नहीं लेते हैं हमारे पास से, जो कि ब्लड प्रेशर ना उसने नहीं ली है, डायबिटीज का है वो उसने थोड़े टाइम ली, उसका डॉक्टर ने बताया ना, जब उसको इंसुलिन था, फर्स्ट उसकी इंसुलिन थोड़ी कम होने लगी, कम डोज लेने लगे, फिर उसके टेबलेट्स में थोड़ा फर्क किया कि कम लेने लगे। हम नहीं कहते कि आप इंग्लिश मेडिसिन छोड़ दे, आप आयुर्वेदिक और इंग्लिश साथ में ले सकते हैं, आधे घंटे का फर्क रखना है, आपको साथ में नहीं लेनी है, जस्ट आधे घंटे का फर्क रखे, आपको डॉक्टर बोले कि आपको अभी जरूरत नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, हमारी आपको थोड़े हर्ब्स लेने हैं तो ले सकते हैं, छोड़नी है तो छोड़ सकते हैं। अच्छा, एंड सम ऑफ द व्यूअर्स हैव सेड कि दे हैव हैड दिस योर मेडिसिन एंड इट हैज, उन लोगों को फर्क भी पड़ा है जो मेडिसिन लेते हैं, उन लोगों ने बोला है कि उन लोगों को फर्क भी पड़ा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, एंड एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड सो वी कैन, अदरवाइज लेट अस नो, वी हैव लिटरली फ्यू मोर मिनट्स लेफ्ट। नहीं है तो एक लास्ट बहुत ही जरूरी का बताती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोग्राम करेंगे तो और चीज बताएंगे। हमारे पास पता है कि अभी बहुत ही चिल्ड्रन को आदत होती है ड्रग्स लेने की, सिगरेट और ड्रिंक, तो आपको जिसको भी छोड़नी है 1 ही महीने में छूट जाते हैं, जस्ट 1 मंथ। तो आपको कोई भी ड्रिंक, ड्रग्स, सिगरेट, आप मुंह में वो गुटखा डालते हैं, वो कुछ भी छोड़ना है तो 1 ही महीने में छूट जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड, दैट्स इंटरेस्टिंग। आई होप आप सभी को दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई वुड लाइक टू हैंड इट बैक ओवर टू रश्मि बेन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रश्मि बेन? No, I'm just like, you know, I love listening to Rama Ben continuously with so much of knowledge and so much of information she has on various remedies to various ailments and all these beauty products and all. I would definitely consult you for my daughter's pimples, you know, because that's always trouble. But I've tried all the medicines, everything. But yes, you're an inspiration, Rama Ben. You're an inspiration for all of us who think that, okay, we are 65 and 70 now, what is life? And, you know, but this is what we want, and we are proud of you. Thank you so much for getting in touch with IIW, Inspiring Indian Women. You are an example who we want to follow. We want to be you. And I wish at this age of yours, I want the skin like yours and the hair like yours. Oh my God. मैंने बोला शाम को अच्छा देखना अच्छा लगता है,
आप भले ने कोई भी एज के है, आप क्यों अच्छे ना देखे ना, आपको ट्राई करना चाहिए सबको, जो जिसका वेट बड़ा है आपको ट्राई करना चाहिए कि वो कम हुए के, और डेफिनेटली हमारी चीज से कम होता है, डेफिनेटली. Definitely, Ramanti, you are a big inspiration to not to me and Rashmi Ben, but I think the all over the world. At the age of 76, you are doing a marvelous job, and you are bringing our roots to England, our motherland, who are our forefather who have taught us Ayurveda. You have brought that to this country, and so proud of you. So proud of you. Well done to Ramanti. Thank you very much. We are going to have more of your shows, you know, Rama Ben. So be ready for my text. That okay? Are you ready for tomorrow? Are you ready? So just come over, and we'd love to hear you again and again. And okay, so you have to tell your phone number and your contact details and your website details for the new viewers and the listeners. I am in the clinic from Tuesday to Saturday, 10 till 4. Consultation is free, but hum pulse reading bhi karte hai. Humare paas pulse reading ka machine hai, Veda Pulse. इसमें आपको बहुत ही सारी चीजें पता चल जाती है कि आपने क्या प्रॉब्लम है, उस आपका 12 ऑर्गन्स का बताती है, आपको क्या आप इम्बेलेंस है, वाता पिता कफ, वो भी बताती है. और मेरा टेलीफोन नंबर बताती हूँ, क्लिनिक का नंबर है 0161-766-2700, और मेरा मोबाइल नंबर है 07-88-60-33-929. और आप मेरे को कोई भी टाइम फोन कर सकते हैं, जो मैं नहीं आंसर करूं तो मैं डेफिनेटली वापस रिटर्न करती हूँ सबके टेलीफोन कॉल्स, क्योंकि मैं जब नीचे चीजें बना रही होती हूँ तो उधर रिसेप्शन नहीं होता है, इसलिए मैं आके आप सबका फोन रिटर्न करती हूँ. और आपको बाद में भी कोई भी पूछना है तो पूछ सकते हैं. लास्ट टाइम किसी ने थायराइड के लिए पूछा था, तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं, मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगी कि उसमें आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, एवरीथिंग बताऊंगी. किडनी के लिए भी हमारे पास अच्छा डाइट प्लान है, सबके लिए है. जिसको नहीं है तो मैं बताऊंगी कि उसके लिए नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम हम और चीज के लिए बात करेंगे और लोग को और भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा. And thank you so much. Thank you, Rashmi Ben, and thank you, Barul Ben. You have helped me a lot. Thank you. Thank you. It's a pleasure to have you. Thank you very much. Thank you. Yeah, before we sign off, tomorrow what we are having, we are having a singer, a versatile singer, Nilanjana Paul. Nilanjana Paul will be on our show of Inspiring Indian Women, and the host of the show is RJ Manjulika from Scotland. So the same time, 7 p.m., don't forget to be there, only on the platform IIW, which is Inspiring Indian Women. And this is a big shout out to all the ladies out there. Please, if you want to promote yourself, just get in touch with us and we will promote you in whatever possible way, flyer distribution, standing even outside the station to tell everybody, look, join this person or go here, go there. We can do anything. We are volunteers. We are very, very happy to promote our fellow sisters in all possible way. So thank you. See you all tomorrow with Nilanjana Paul singing and humming with all of us together. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Rama Ben. Thank you. Thank you to everybody who joined us. Bye-bye. Bye, Sarika. I didn't know that you are there. Bye-bye. See you. So bye. Inspiring Indian Women signing off with Sarika Hanna. Hi, Bharti. Thank you so much. Thank you so much. Ben, all of you, namaste to you. And we end the show right away. Thank you. All right. Bye.